भी भाषा संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए जो पेपर के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत हमें आपसे 2019 की परीक्षा में शिक्षा विधि से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, संस्कृत भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण और अंग्रेजी भाषा शिक्षण में कोई भी अंतर नहीं, केवलम अभिभाषाया अंतरम अस्ति, केवल भाषा का अंतर है। अभाषाया अंतरस्य तात्पर्यम अस्ति केवलम अपि वक्तुम, बोलने में वह संस्कृत में बोला जाता है, वह हिंदी में बोला जाता है, वह अंग्रेजी बोला जाता है। अगर आप वागेश्वर का हिंदी से संबंधित वीडियो देखें हिंदी भाषा शिक्षा का, तो उन्होंने इतने सरल माध्यम से, इतने सहज भाव में से समस्त सिद्धांतों को और बोले वाले उसकी थ्योरी चॉम्स्की थ्योरी अधिगम प्रक्रिया अर्जन प्रक्रिया समस्त जो है शिक्षण विधियों को इतने सरल ढंग से बताए हैं कि हम समझते हैं कि अगर उसको आप दो बार तीन बार देख लेंगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रही बात संस्कृत से अगर कोई संबंधित आपको परेशानी होती है तो उसमें हमें आपके सहयोग के लिए रात दिन जब भी कहेंगे तेरी चाहे मैं समर्पित हूं। ग्रामे ग्रामे सदने सदने विलसत संस्कृत वाणी, भवने भवने नगरे नगरे रवहतु संस्कृत वाणी। अनेन संकल्पेन अहम समर्पिता, इसलिए आप संस्कृत से संबंधित कोई भी समस्या होती है उसके लिए मैं समर्पित हूं। तो आज मैं मॉडल प्रश्नों की श्रृंखला में पहले प्रश्न की चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न है हमारा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूपेण कस्योपर निर्भरास्ति, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके ऊपर निर्भर होती है। तो आप जानते हैं कि भाषा जन्मजात नहीं होती है, बल्कि भाषा सीखने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चा जैसे जैसे खुले वातावरण में जाता है भाषा का अर्जन कर लेता है, क्योंकि भाषा अर्जन सहज प्रक्रिया है। लेकिन अधिगम के अंतर्गत बालक जब किसी विशेष विद्यालय में विशेष संस्था में विशेष प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षा ग्रहण करता है वह अधिगम प्रक्रिया होती है। तो अधिगम प्रक्रिया के लिए खेल पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका कम होती है, बालक की भूमिका अलग होती है। दूसरा है तो इसमें सही है आपका बालक। दूसरा प्रश्न है सहयोग विधि के नामना ज्ञायते, सहयोग विधि को किस नाम से जाना जाता है। पारायण विधि में जानते हैं आपकी जैसे रामचरितमानस का पाठ कराने के लिए दोहे के पहले संपुट एवं दोहे के बाद में संपुट लगा करके पारायण किया जाता है। पारायण का मतलब हुआ लगातार निरंतरता का कंटिन्यूटी, उसमें कोई भी अवरोध नहीं होनी चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। तो पारायण का मतलब है नियमित रूप से अभ्यास के द्वारा जिस विधि अनुशीलन किया जाता है उसे पारायण विधि कहा जाता है। निगमन विधि से तात्पर्य होता है पहले नियम का उल्लेख किया जाए बाद में उदाहरण याद प्रस्तुत किया जाए। तो यह भी विधि सहयोग विधि के नाम से नहीं जानी जाती है। चौथा आगमन विधि है जो सूत्र निर्माण की विधि के नाम से जाना जाता है, यह भी विधि सहयोग विधि के नाम से नहीं जानी जाती है। साहचर्य विधि साथ साथ चल करके आचरण करने वाली जो विधि है वह है सहयोग विधि। तो साहचर्य विधि का ही नाम सहयोग विधि है और सहयोग विधि का ही नाम साहचर्य विधि है। जैसे प्रश्न में आ गया है कि सहयोग विधि के नाम आ जाए थे तो साहचर्य विधि, अब यही प्रश्न जैसे अगर परिवर्तित करके ले लिया जाए कि साहचर्य विधि के नाम आ जाए थे तो इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग विधि। मित्रों अगला प्रश्न जो हमारा है अच्छा प्रश्न है,
ये 2007 के मॉडल पेपर में आया है प्राथमिक स्तर में संस्कृत भाषा में। सुग्गा विधि, सुग्गा विधि किसको कहा जाता है? देखिए सुग्गा विधि में सुग्गा माने तोता, जैसे तोते को अगर कहा जाए मिट्टो मिट्टो तो वह भी धीरे धीरे मिट्टो मिट्टो कहने लगता है, भले ही वह उसके अर्थ को ना जाने। नर के साथ सुवाहरी बोले हर पर काप न जाने, नर के साथ सुवाहरी बोले, मनुष्य के साथ सुग्गा भी धीरे धीरे बोलने को लगता है लेकिन वह ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। वैसे ही सुग्गा विधि में पाठ पुस्तक भी इसका उत्तर है। पाठ पुस्तक विधि का तात्पर्य है पाठ में जितना लिखा हुआ है उतना ही ज्ञान। सूत्र विधि के द्वारा सुग्गा विधि कोई संबंधित नहीं है, पाठ पुस्तक विधि ही सुग्गा विधि। पाठ को पुस्तक लेकर के पढ़ाना जो विधि है वही सुग्गा विधि। लेखन विधि से भी इसका कोई संबंध नहीं है, वाचन विधि से भी इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए सुग्गा विधि का ही दूसरा नाम पाठ्य पुस्तक विधि है या पाठ्य पुस्तक विधि का दूसरा नाम सुग्गा विधि। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों पद्य शिक्षण से विशिष्ट विधि भी अस्त, पद्य शिक्षण की काव्य शिक्षण की मुख्य विधि है। काव्य शिक्षण की विधि में हमने भाषा शिक्षण की विधियों के अंतर्गत व्याख्या विधि भी बताया है। व्याख्या विधि का मतलब अन्वय सहित पदच्छेद करते हुए जब हम एक एक पद की व्याख्या प्रयोग करते हैं तो वही व्याख्या विधि। तुलनात्मक विधि में दो पक्षों की, दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की, दो उदाहरणों की, दो विषय वस्तुओं की जब तुलनाएं की जाती है आपस में उनकी समानता या कंपैरिजन की जाती है वो तुलनात्मक विधि। संस्करण विधि का मतलब है संस्करण माने निष्पादन, जन्म देना, छापना, निकालना, इस विधि का पद शिक्षण से कोई मतलब नहीं। प्रवचन विधि ये विशिष्ट विधि, प्रकृष्ट वचन प्रवचन, जैसे जानते हैं आप कुगति प्रादय प्राचार्य, तो प्राण तत्पुरुष समास है, यहां पर प्राण तत्पुरुष समास का विषय है इस विधि में। तो प्रकृष्ट वचन प्रवचन, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, जिनके द्वारा श्रेष्ठ वाणी बोली जाए, जिन वक्ताओं के द्वारा बड़ी सम्यक समीचीन और अर्थबोधित वाणी बोली जाती है उनको प्रवक्ता कहा जाता है। प्रवचन का सुंदर वाणी, शुद्ध वाणी, सुसंस्कृत वाणी, सभ्य वाणी और सारगर्भित वाणी को ही प्रवचन कहा जाता है, प्रवचन वाणी, प्रवचन विधि। तो अच्छी पद्य शिक्षण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है प्रवचन विधि, क्योंकि पद्य शिक्षण के अंतर्गत बहुत ज्ञान है लेकिन लय नहीं है, तब भी बेकार है, तो लयात्मक रूप से प्रवचन वही कर सकता है जिसके अंतर्गत वाणी में रस है, वाणी में मृदुभाषिता है, वाणी में सरसता है, वाणी में कोमलता है, वाणी में लचीलता है। तो पद्य शिक्षण की सबसे विशिष्ट विधि कौन है? प्रवचन विधि। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा कि निरानस्य अर्थम अस्ति अधिगम विषयकम काठिन्यम दोषान जरूरी कदम की परिभाषा का अस्ति कस्य विद्वानस्य अस्ति, कहा निदान का अर्थ है अधिगम विषयक कठिनताओं को दूर करना, अधिगम से संबंधित जो कठिनताएं होती हैं उनको उनके दोषों को दूर करने का ही अभिप्राय है निदान। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? टर्मन, टर्मन के द्वारा। तो आईक्यू आप जानते हैं लब्ध बुद्धि, इसका निरूपण इनके द्वारा किया गया है, इसलिए टर्मन
इसके उत्तर में नहीं है। महात्मा गांधी यह एक विचारक हैं, यह भी जो है निदान से संबंधित कोई भी बात नहीं कहे, इसलिए ये भी नहीं होंगे। तीसरा आपका विकल्प है सीबी गुड महोदय। सीबी गुड के द्वारा जो है निरानस्य अर्थम, निदान का अर्थ बताया गया है अधिगम के विषय से संबंधित कठिनताओं को दूर करना। तो अधिगम से संबंधित जो भी कठिनताएं आती हैं उनको दूर करने का तात्पर्य ही है निदान। यह किसने कहा? सीबी गुड महोदय। सीबी गुड महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई। प्रीति महोदय हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन इनके द्वारा भी यह नहीं बताया गया है। तो मित्रों ध्यान रखें, आज इन पांच प्रश्नों की ही शिक्षा से संबंधित श्रृंखला आपके सामने दी जा रही है। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि संस्कृत शिक्षण के लिए, हिंदी शिक्षण के लिए और अंग्रेजी शिक्षण के लिए अगर आप बेहतर माध्यम ढूंढना चाहते हैं तो आगे सर का जो YouTube का वीडियो है उसको आप जरूर देखें। वो आपके हिंदी भाषा शिक्षण के लिए तो उपयोगी है ही, संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो एक बार आप हिंदी समझकर भी एक बार संस्कृत समझकर दो तीन बार उस वीडियो को देखें। इतने सहज भाव में उन्होंने बताया है कि आप दो तीन बार जहां देखेंगे तो सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए मित्रों उस वीडियो को आप जरूर देखें और बाकी हम इसी प्रकार से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और शिक्षण से संबंधित जो भी शोध हैं, सिद्धांत हैं, विधियां हैं, इन सभी का भी निरूपण हमें आपके सामने करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अन्य वीडियो में आपसे दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी तो आप अपने मित्रों को भी यह प्रसारित करिएगा, और अगर कोई सुझाव होगा तो उसके लिए भी आप, क्योंकि देखिए मनुष्य पूर्ण नहीं होता है, इसलिए आप सुझाव देकर मैं उसको साथ स्वीकार करूंगा। नमो नमः प्राणी साधुवादम संस्कृत सज्जनाम।